नमस्कार दोस्तों दोस्तों प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। यहां से परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की हो, समीक्षा अधिकारी की हो, खंड शिक्षा अधिकारी की हो, लोअर पीसीएस की हो, या कोई भी अन्य वनडे एग्जाम्स हो, आईएएस की परीक्षा हो, कोई भी हो, इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि ये जो मौर्य साम्राज्य है, ये जो मौर्य काल है, यहां से प्रश्न हमेशा आना ही आना है। ठीक है, एक मौर्य साम्राज्य हो गया, एक गुप्त साम्राज्य हो गया, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो प्राचीन इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और यहां से हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है। कभी कोई ऐसा एग्जाम अछूता नहीं गया है कि मौर्य साम्राज्य से या गुप्त साम्राज्य से प्रश्न ना पूछा गया हो। ठीक है, तो दोस्तों आज बहुत ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य या फिर मौर्य काल। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के ऊपर आपको हम 3 लेक्चर देने वाले हैं। एक में आपको हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे आज वाले लेक्चर में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बताएंगे। अगले वाले में आपको हम अशोक और उससे संबंधित जो भी अभिलेख हैं उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि अशोक के अभिलेख इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वहां से प्रश्न हमेशा आता ही आता है। ठीक, और जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें आपको मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था रही है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि वहां से भी हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ठीक, वहां पर बहुत सारे वंश हुए थे, बहुत सारे शासक हुए थे, तो मगध जो महाजनपद था वो उस समय का सबसे बड़ा महाजनपद था, और इसी मगध महाजनपद में मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, इसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई है। याद होगा आपको पिछला वाला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा, मगध राज्य का उत्कर्ष वाला। उसमें मैंने आपको अंत में बताया था कि जो नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम था घनानंद, और उस घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में अपने मंत्री चाणक्य की सहायता से कर दी थी। और घनानंद की हत्या करने के बाद नंद वंश समाप्त हो जाता है और उसी पर नींव डाली जाती है मौर्य साम्राज्य की, या मौर्य से मौर्य काल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वास्तव में जो मौर्य काल का या मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो हम पहले आपको थोड़ी सी जानकारी यहां पर देना चाहेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में या मौर्य काल के बारे में, कि मौर्य साम्राज्य जो क्या था, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, और इसका हमको जो विवरण है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, ये आपको हम बताने वाले हैं। तो इसके 3 प्रमुख साक्ष्य हैं, एक तो साहित्यिक कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, कुछ विदेशी विवरण हमको मिले हैं, और कुछ पुरातत्वीय साक्ष्य मिले हैं जिनसे हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल होती है कि मौर्य साम्राज्य कैसा था, उसका प्रशासन कैसा था, और कौन कौन से शासकों ने उन पर, यानी कि मगध पर या पूरे भारत पर राज्य किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से साहित्यिक अभिलेख हैं या जो साहित्यिक जो ग्रंथ हैं, कहाँ से हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। ठीक है, तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यहां से भी हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर विशाखदत्त ने एक लिखी है मुद्रा राक्षस, ठीक है, इससे हमको जानकारी मिलती है। मेघस्थ निज ने लिखी है इंडिका, इससे जानकारी मिलती है। सोमदेव ने लिखी है कथा सरित सागर, इनसे जानकारी मिलती है। और बृहत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र के द्वारा रचित है। ठीक है, तो इतने सारे साहित्य हैं जिनसे हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये जो भी साहित्य है ये आपको याद करने हैं, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि जो है इंडिका का लेखक कौन है या रचना किसने की है, तो मेघस्थ निज ने की है। ठीक है, या बृहत कथा मंजरी का रचयिता कौन है, लेखक कौन है, क्षेमेंद्र है। ठीक है, तो ये जो पांचों साहित्य है इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहां से प्रश्न आता है। इसके बाद
बौद्ध ग्रंथ से भी हमको जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? दीप वंश है, महावंश टीका है और महाबोधि वंश। इन बौद्ध ग्रंथों से भी हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद कुछ जैन ग्रंथ भी हैं, जैसे कि भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वण। ठीक है, यहां से भी हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद दूसरे आते हैं आपके विदेशी विवरण। कौन कौन से ऐसे विदेशी यात्री रहे हैं, ठीक है, जिनके जिन्होंने कुछ लिखा है या उनकी रचनाओं के द्वारा या उनकी पुस्तकों द्वारा हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो स्ट्रेबो है, पिलिनी है, एरियन है, जस्टिन है और प्लूटार्क है। ये प्रमुख विदेशी यात्री रहे हैं जिनसे हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यहां से संबंधित कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। ये भी पूछा जा रहा है परीक्षा में, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स किसने कहा है? तो जस्टिन और स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। ठीक है, एस्पियानस और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और नियार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोक्टस कहा। ठीक है, ये सेंड्रोकोट्स ध्यान रखिएगा, सेंड्रोकोट्स है, ये सेंड्रोकोक्टस है, आधा पा बना हुआ टा बना हुआ है, सेंड्रोकोक्टस कहा किसने? नियार्कस ने। ठीक है, और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इन नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। ठीक है, अब देखिए, चूंकि ये जो थे विदेशी यात्री थे, ये इन्होंने चंद्रगुप्त को कई नामों से पुकारा है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोप्टस। ठीक है, लेकिन इस बात की जानकारी कि ये सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोप्टस कौन है, इस बात की जानकारी सबसे पहले विलियम जोन्स ने दी है। और विलियम जोन्स ने कहा है कि ये एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी चंद्रगुप्त मौर्य को इन लोगों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। ये कोई अलग-अलग व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ये बात सबसे पहले विलियम जोन्स ने बताई है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही वह व्यक्ति था जिसका नाम इन ये इसके विभिन्न नाम ग्रंथों में मिलते हैं, या जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने इन चंद्रगुप्त मौर्य को इन नामों से पुकारा है। ठीक है, तो ये तीन नाम है, सेंड्रोकोक्टस, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स, ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही थे। और तीसरा आपका आ जाता है पुरातत्वीय शास्त्र। तो अशोक के अभिलेखों के द्वारा और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसके द्वारा भी हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब अशोक वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी जानकारी कि जो मौर्य साम्राज्य है, जो मौर्य काल है, कौन कौन से शासक हुए, कैसी व्यवस्था रही होगी, इन सबके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का जो प्रमुख संस्थापक था उसके बारे में। तो मौर्य वंश का प्रमुख संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। ठीक, जबकि पूरे मौर्य साम्राज्य का या मौर्य काल का जो काल है वो है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। ये पूरे मौर्य साम्राज्य का काल है, जबकि 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है, कि इतने साल तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया है मगध पर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो चंद्रगुप्त कौन था? ये मौर्य वंश का प्रमुख संस्थापक है। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके इसकी सहायता से, अपने मंत्री चाणक्य की सहायता से, इसने मौर्य वंश की स्थापना कर डाली थी। ठीक है, चलिए अब मौर्य वंश, इसके चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में बहुत सारे मतभेद मिलते हैं कि यह किस जाति का था। तो जो ब्राह्मण साहित्य है वो कहते हैं कि यह शूद्र था। ठीक है, जबकि जैन और बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। जबकि जो विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है उसमें वर्णन मिलता है कि यह ब्रसल या निम्न कुल का था। ठीक है, तो ये जो है
तीन इसके बारे में मिलते हैं कि ये किस जाति का। तो ये मतभेद है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यारोहण हुआ था वो 322 ईसा पूर्व में हो गया था, ठीक है। और जो सबसे पहला इसका युद्ध था वो था 305 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य और जो यूनान का शासक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। ये यूनान का शासक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यू निकेटर के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। और ये युद्ध क्या है, सेल्यू निकेटर इस युद्ध को हार जाता है, पराजित हो जाता है, ठीक है। और इस युद्ध का जो वर्णन है वो एपियानस ने किया। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो इस युद्ध का वर्णन है इसके बारे में किसने बताया है, तो इसके बारे में एपियानस ने बताया है कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और कैसा हुआ, कि निर्णायक रहा कौन हारा कौन जीता। तो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर हार गया था, पराजित हो गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 303 ईसा पूर्व में दोनों के बीच क्या होता है, संधि हो जाती है, दोनों संधि कर लेते हैं, ठीक है। और संधि कर लेते हैं तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त को क्या देता है, एरिया जिसको हेरात कहते थे, अराकेसिया कंधार है वर्तमान वाला क्षेत्र, जेड्रोसिया मकरान तट वाला क्षेत्र, और पेरिपेनिसदाई ये काउल वाला क्षेत्र, ठीक है। तो जो इतने एरिया थे इन क्षेत्रों के, इन जगहों के कुछ क्षेत्री कुछ भागों को सेल्यूकस निकेटर किसको देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, संधि के बदले में। जो संधि होती है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो दोनों संधि कर लेते हैं, और ये वाले एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाते हैं, सेल्यूकस निकेटर इनको चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है, ठीक है। फिर क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगस्थनीज, ठीक है। और इसी मेगस्थनीज ने कौन सी लिखी थी, इंडिका लिखी थी, ध्यान रखिएगा। जो मेगस्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार के रूप में, क्योंकि यहां संधि तो पहले हो चुकी थी, तो संधि का मतलब क्या है, दोस्ती हो गई, ठीक है। फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे, वो भी उपहार के रूप में, ठीक है। उपहार के रूप में 500 हाथी दिए सेल्यूकस निकेटर को। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने संबंध को और अच्छा बनाना चाहा और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, ठीक है। यानी कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, तो हेलेना का विवाह हो गया चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये जो आपस में बन गए विवाह के बंधन में और एक रिश्तेदार हो गए, तो फिर युद्ध वाली बात ही खत्म हो गई, ठीक है। ये तो बात होगी सेल्यूकस निकेटर से युद्ध की, ठीक है। अगली बात है चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी हमको कहां से मिलती है, ठीक। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में भी चढ़ाई की थी, वहां पर युद्ध हुए और विजय उसकी हुई, तो इसकी जानकारी हमको मिलती है एहनानूर और मुरनानूर, ये तमिल ग्रंथ दोनों, ठीक है। एहनानूर और मुरनानूर ये दोनों तमिल ग्रंथ हैं, ठीक है। यहां से हमको चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही हमको अशोक के अभिलेखों से भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय का वर्णन महास्थान अभिलेख में मिलता है, ठीक है। महास्थान कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल पड़ता है। तो जो महास्थान अभिलेख है यहां से हमको चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय का वर्णन प्राप्त होता है, महास्थान अभिलेख से, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार, ठीक है, एक यूनान के लेखक जिनका नाम है प्लूटार्क, उन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सेना को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, ये कथन किसका है, तो आप बताएंगे ये कथन प्लूटार्क का है। ये प्लूटार्क के अनुसार है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। इसने जैन धर्म भी स्वीकार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेल गोला में, जो कि आजकल मैसूर में पड़ता है, वहां पर जाकर उपवास के द्वारा
अपने शरीर को त्याग दिया था, ठीक है। और उपवास को कहते हैं संलेखना, ठीक है, संलेखना पद्धति कहते हैं, उपवास कहते हैं, यानी कि इसमें उपवास तब तक किया जाता है संलेखना पद्धति में जब तक कि व्यक्ति अपना शरीर त्याग नहीं देता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना पद्धति के द्वारा श्रवण बेल गोला में अपने शरीर को त्याग दिया था, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और जो मौर्य साम्राज्य था उसका विस्तार कहां कहां तक था, तो ये उत्तर पश्चिम में ईरान तक फैला हुआ था, फारस तक फैला हुआ था, पूर्व में ये बंगाल तक फैला था, और उत्तर में कश्मीर तक फैला था, तथा दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक अर्थात मैसूर तक फैला हुआ था, ठीक है। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष जानकारी, जो कि परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से पूछी जाती है और यहीं से सारे के सारे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। पढ़ाने को तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन वो जब हमारी विस्तार से कक्षा होगी तब आपको सारी बातें बताएंगे। यहाँ पर हमने उन बातों को बताया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछी ही जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद हम बिंदुसार पर। इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का था बिंदुसार, ये शासक बनता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, ठीक है। जो बिंदुसार का नाम जो था वो था सिंहसेन, ठीक है। इसका नाम सिंहसेन था, बाद में बिंदुसार पड़ गया, ठीक है। तो बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और ये अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर आसीन हुआ, ठीक है। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रचेट्स या अमित्रघात कहा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि अमित्रचेट्स या अमित्रघात कौन था, तो वो बिंदुसार था, और यूनानी लेखकों ने इसे ये नाम या ये संज्ञा दी थी, और इसका मतलब ये होता है कि शत्रुओं को नाश करने वाला या शत्रुओं का विनाश करने वाला, इसे कहते हैं अमित्रचेट्स या अमित्रघात, ठीक है, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक। तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, ठीक है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को भेजा और बाद में फिर इसने अशोक को भेजा। पहले सुसीम को भेजा तो सुसीम ने इस विद्रोह को नहीं दबा पाया, फिर अशोक को भेजा तो अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले सुसीम को भेजा गया, इसके बाद अशोक को भेजा गया था। बिंदुसार के समय में ही सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। ध्यान रखिएगा, ये जो सीरिया का शासक था जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम, इसका राजदूत था डाइमेकस। तो इसने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और एथिनियस के अनुसार, एथिनियस एक इतिहासकार है, इनके अनुसार बिंदुसार ने पत्र लिखकर एंटियोकस से कुछ वस्तुएं मांगी थी, ठीक है। जब यानी कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा, तो बिंदुसार ने एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी के द्वारा पत्र लिख करके एंटियोकस से कुछ वस्तुएं मांगी थी, ठीक है। ये वस्तुएं क्या थी, ये तीन वस्तुएं थी, ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी वस्तु बिंदुसार ने नहीं मांगी थी, ठीक है, या निम्न में से कौन सी वस्तु मांगी थी। ध्यान रखिएगा, तीन वस्तुएं कौन कौन सी है। एक तो उसने अंगूरी मदिरा मांगी थी, ठीक है, मतलब कि जो वाइन यानी शराब होती है जो अंगूर से बनती है, ठीक है, जिससे आजकल हम लोग शैंपेन वगैरह कहते हैं, जो अच्छी मतलब ब्रांडेड जो वाइन होती है वो, मतलब बड़े शौकीन रहे राजा रजवाड़े थे, पीते थे एकदम से अच्छे से, तो एकदम बढ़िया वीआईपी क्वालिटी पीते थे। तो इन्होंने जो है, ये विदेशी मदरा थी, तो अंगूरी मदरा इन्होंने उससे मांगी, और ये सूखी अंजीर भी मांगी थी, ठीक है, और तीसरे मांगे थे कुछ दार्शनिक, ठीक है। तो अंगूरी मदरा और सूखी अंजीर तो एंटियोकस ने बिंदुसार के लिए भिजवा दी थी, लेकिन दार्शनिक नहीं भिजवाए थे, मना कर दिए थे और कहा था कि दार्शनिकों का विक्रय नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम दार्शनिक नहीं भिजवा पाएंगे। तो सूखी अंजीर और मदरा भिजवा दी थी, दार्शनिक नहीं भिजवाए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां से पूछा भी जा सकता है कि क्या उसने दिया था क्या नहीं दिया था, ठीक। इसके बाद मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत इसके दरबार में भेजा था, ठीक है। मिस्र का शासक था टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, उसने अपने राजदूत को यानी कि डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। पूछा जाए कि बिंदुसार
किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और जो मिस्र का शासक था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इसने अपने राजदूत को, यानी राजदूत का नाम था डायनोसिस, इसको बिंदसार के दरबार में भेजा था। तो इस टाइप के प्रश्न भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हमने आपको आज वो सारी बातें बता दी हैं जहां से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको लगभग प्रश्न यहां से सारे मिल जाएंगे। ठीक है, यकीन ना हो तो एक बार हल करके आप देखिए, और आपको खुद पता चलेगा कि ये टॉपिक या ये वीडियो हमारे लिए कितना उपयोगी था। ठीक है, एक बार देखिए, दो बार देखिए, इसका नोट्स बनाइए, फिर उसको रिवाइज करिए। आप देखेंगे कि आने वाली परीक्षाओं में जो भी प्रश्न यहां से आएंगे आपके सारे के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।